गांव का नाम धर्मपुर। बहुत समय पहले उस गांव में राजू नाम का एक खिलौने वाला था। वो बाजार में अच्छे खिलौने बेचा करता था। अच्छे खिलौने होने के कारण सब उससे खिलौने खरीदते थे। उस गांव में एक और खिलौने वाला था, उसका नाम था कमल। वो राजू से बहुत जलता था। वो यही सोचता था कि कैसे राजू को परेशान किया जाए, लेकिन कमल हमेशा असफल रहता था क्योंकि राजू को खिलौने बेचते हुए देखता रहता था। पापा खिलौने, पापा खिलौने। भैया वो लाल रंग का खिलौना देना मेरे बच्चे को। ये लो बेटा ये लो। मुझे वो नीले रंग की गाड़ी दे दो अंकल। अरे ये क्या, इतनी भीड़ लगा कर खड़े हैं पर फिर भी मुझसे कोई खिलौने खरीदने नहीं आ रहा है। ले लो ले लो, रंग बिरंगे खिलौने ले लो। मैं खिलौने बेचता हूँ कबार नहीं, दाम कम खिलौना अच्छा, एक बार खरीदने के बाद चले सालों साल। अरे ये क्या, बाजार में किसी ने इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लगता है सबके सब बहरे हो गए हैं। लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। राजू के पास ही जाकर देखता हूँ, वहीं पर ज्यादा बच्चे हैं। अरे क्या हुआ कमल भाई, तुम यहाँ क्यों आ गए? असल में वहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो बच्चे भीड़ लगाकर खिलौने ले रहे हैं, इसलिए सोचा इधर ही कुछ शुभ है। अरे कमल भाई ऐसा कुछ नहीं है, असल में बात ये है कि लोग पैसा देकर अच्छा सामान खरीदते हैं। तुम भी अच्छे खिलौने दो तो बच्चे भी तुम्हारे पास भीड़ लगाकर खिलौने खरीदेंगे। हाँ बेटा तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए? अंकल वो हरा वाला। देखो कमल भाई मैं सबको अच्छे खिलौने ही बेचता हूँ। हाँ लेकिन मुझे थोड़ा कम लाभ होता है, लेकिन ज्यादा लाभ के चक्कर में कहीं कुछ भी ना मिले तो फिर। कमल खिलौने वाला सोचते हुए बोलता है, बड़ा ज्ञान देने वाला बन रहा है। रुक तेरा ज्ञान निकालता हूँ। कमल भाई तुम यहाँ पर खिलौने बेचो और मैं तुम्हारी जगह जाकर खिलौने बेचता हूँ, ठीक है कमल भाई? जैसे तुम्हारी मर्जी राजू, पर ये मत कहना कमल ने मेरे ग्राहक छीन लिए। दोनों हल्की सी हंसी हंसते हैं। नहीं कमल भाई, कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता, तुम निश्चिंत रहो। दोनों ने अपनी अपनी जगह बदल ली। एक बच्चा दौड़ कर आता है, राजू खिलौने वाले की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कमल अपने खिलौने बेच रहा होता है। बेटा तुम्हें खिलौना चाहिए ना, आ बताओ कौन सा। अंकल वो राजू अंकल कहाँ है, मैं उन्हीं से खिलौना लेता हूँ। कमल राजू की ओर इशारा करते हुए बच्चे को बताता है। बच्चा दौड़कर राजू के पास जाता है। अगला दिन चिंता में घूमते हुए राजू खिलौने वाले के घर जाता है। तभी वो देखता है कि राजू अपने खिलौने बेचने के लिए तैयार कर रहा है। और तभी राजू खिलौने वाला किसी काम से बाहर जाता है और कमल चुपके से उसके घर में घुस जाता है। फिर वो कुछ खिलौने खराब कर देने के बाद जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो एक बच्चा उसको भागते हुए देख लेता है। अरे ये तो कमल खिलौने वाला है, लेकिन ये भाग क्यों रहा है? उसी दिन बाजार में बच्चा, अंकल मुझे वो हाथी देना। अरे अंकल इस हाथी का तो पैर टूटा हुआ है। अरे राजू ये क्या टूटे हुए खिलौने दे रहे हो बच्चे को? मैं तुम्हारे पास से खिलौने नहीं लूंगा राजू अंकल, आप मुझे टूटे हुए खिलौने दे रहे हो। तभी कमल आवाज लगाते हुए बोला, आइए आइए आइए, रंग बिरंगे खिलौने, मजबूत खिलौने, अच्छे खिलौने, बिना टूटे हुए खिलौने मिलेंगे मेरे पास, आइए इधर आइए। तभी बच्चे दौड़कर कमल खिलौने वाले की दुकान पर चले जाते हैं और उससे खिलौने खरीदने लगते हैं। अगले दिन राजू खिलौने वाला सभी खिलौने अच्छे से पैक करने के बाद चारों तरफ अच्छे से देखकर तौलिया लेकर नहाने चला जाता है। उसके बाद कमल राजू के खिलौने वाली जगह पर आया और कमल ने पहले की तरह ही राजू के खिलौने खराब कर दिए। आज बाजार में कमल के पास भी बहुत भीड़ थी बच्चों की। तभी राजू की दुकान पर, मुझे वो घोड़ा दे दो लेकिन देखना टूटा ना हो। नहीं नहीं कल पता नहीं कैसे टूट गए खिलौने, मुझे पता ही नहीं चला। राजू बच्चे को खिलौना उतार कर देता है परंतु घोड़े की पूंछ टूटी होती है। अरे ये क्या, ये कैसे टूट गया? अंकल देखो घोड़े की पूंछ टूटी हुई है। लेकिन टूटी कैसे? ये सही है, कल हाथी आज घोड़ा, रोज टूटे खिलौने दे रहे थे। क्यों अंकल ऐसे खिलौने क्यों दे रहे हो आप हमें? राजू के सभी बच्चे जो उससे खिलौने खरीदते थे वो सभी कमल से खिलौने खरीदने लगे। सभी ने राजू को ठग और झूठा समझना शुरू कर दिया और इधर कमल तरक्की कर रहा था। ये सब देखकर राजू चौंक गया और राजू खिलौने वाला मन ही मन सोचने लगा, ये कमल का ही काम है, लेकिन साबित नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सच्चा हूँ तो एक दिन सबको सच जरूर पता चल जाएगा।
कमल खिलौने वाला इसी मौके की तलाश में था। फिर वो मिट्टी के खिलौने बिना पकाए उन पर रंग करके बेचने लगा और लोगों को ठगने लगा और बच्चों को पागल बनाने लगा। अगले दिन हंसते हुए कमल खिलौने वाला अपने घर अरे सुनती हो कहाँ हो, खिलौनों को अच्छे से रंग करो, मैं बाजार जा रहा हूँ किसी काम से। आज तो मैं बाजार में अकेले ही खिलौने बेचूंगा। अच्छा सुनो, आज अगर सारे खिलौने बिक गए ना तो कल हम और ज्यादा खिलौने पर रंग करेंगे। ज्यादा गड़बड़ के चक्कर में पकड़ में मत आ जाइएगा। तुमने क्या मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? हम खिलौनों पर ऐसे रंग करेंगे कि ना किसी को पता चलेगा कि खिलौना कच्चा है क्या पक्का है, कोई समझ ही नहीं पाएगा और मुझे लाभ ही लाभ होगा। ये बोलने के बाद कमल जोर जोर से हंसने लग जाता है। अच्छा सुनो, फिर तो आप सुनार से कहकर मेरे लिए एक हार तो बनवा देंगे ना, बताइए ना। बनवा दूंगा, तुम थोड़ा सब्र रखो। है, समझ गई। कमल की पत्नी गीता ने खिलौनों पर अच्छे से रंग किया। उसके बाद कमल खिलौने लेकर बाजार की ओर जाने लगा। रास्ते में कमल को राजू मिला। अरे राजू, बाजार नहीं जाओगे? नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। मैं उसी दिन बाजार जाऊंगा जिस दिन गांव वाले मुझे बुलाएंगे। राजू दूसरे गांव में गली गली घूमकर अपने खिलौने बेचने लगा। वो जोर जोर से आवाज लगाता। धूप से गर्मी में उसे बहुत कष्ट होता था, पर इसके अलावा राजू के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। राजू खिलौने वाला दूसरे गांव में आवाज लगाते हुए, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, अच्छे बढ़िया खिलौने, खिलौने 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 ले लो, खिलौने ले लो, अच्छे बढ़िया खिलौने। कमल रात को घर में लाभ के पैसों का हिसाब कर रहा था और कमल की पत्नी लालची नजरों से देख रही थी। कमल हंसते हंसते कहता है, अरे सुनो गीता, आज सारे खर्चे को छोड़कर लाभ हुआ है 700। कल और ज्यादा खिलौनों पर रंग करना पड़ेगा। आज खिलौने कम पड़ गए बाजार में, सभी बच्चों को नहीं दे पाया। अच्छा सुनो, अपने कालू सुनार से कह तो दिया है ना? कह दूंगा जी, कह दूंगा, महीने के आखिर में ही कहूंगा। काम थोड़ा जमने तो दो। अगले दिन बाजार में, मुझे वो गाय चाहिए काले रंग की, बच्चा खिलौना लेकर बोला। ये क्या अंकल, इसका तो रंग उतर रहा है। नहीं तो ये देखो अंकल, रंग मेरे हाथ पर आ गया। हो सकता है, कल हमने इस पर ज्यादा रंग कर दिया था, इसलिए हो सकता है। छुपकर एक बड़ा आदमी देख रहा होता है। वो बोलता है, रंग ज्यादा करने से तो ऐसा नहीं होता, ये क्या बात हुई, ये तो कुछ गड़बड़ लगती है, छानबीन करनी पड़ेगी। वही आदमी राजू को मिलता है रास्ते में। क्या राजू भैया, बाजार में नहीं बेचते अब खिलौने? नहीं भाई, पता नहीं क्या से क्या हुआ, कुछ भी समझ नहीं पाया। मैंने सब अच्छे तरीके से खिलौने तैयार किए, लेकिन जब बाजार में जाकर बच्चे को दिए तो कुछ खिलौने टूटे हुए निकले। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। राजू भैया, मुझे जरा शक हो रहा है, बताऊं कि ना बताऊं? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, पहले सबूत जुटा लो उसके बाद बताऊंगा। सच्चाई की जीत होती है और बुरे लोगों की होती है हार। अगले दिन कमल के घर पर, वो आदमी कमल की खिड़की के बाहर सब कुछ देख रहा होता है। यह लीजिए कच्चे खिलौने, और कितने अच्छे खिलौने चाहिए। अरे सुनो, आज बहुत सारे बच्चे होंगे, सबको खिलौने देने होंगे, रंग तो कम है, आज रंग में पानी मिलाते हैं। आदमी मन ही मन, अच्छा रुको बच्चों, रुको, तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। आदमी चिल्लाने लगता है, अरे कोई है, अरे सबके सब कहाँ गए, अरे कोई है, अरे सब कहाँ हो, देखो कमल भाई क्या कर रहे हैं, देखो देखो, इतने दिनों से तुम लोगों ने कच्ची मिट्टी खरीदी है और पक्की मिट्टी का भाव दिया है, देखो देखो कमल भाई क्या कर रहे हैं। कमल और कमल की पत्नी पंचायत में सिर झुका के खड़े हैं। जिन लोगों ने कमल से खिलौने खरीदे थे वो भी खड़े हैं। पंचायत में आदमी बोलता है, कमल भाई ने राजू भाई के खिलौने खराब किए, क्योंकि उस आदमी ने कमल को राजू के घर से भागते हुए देखा था। छी कमल छी, बच्चों के खिलौनों में मिलावट करता है। सुनो, तुम्हारी सजा है, तुम्हें तुम्हारा सिर मुंडवा कर मुंह काला करके गधे पर बैठा कर पूरे गांव में घुमाया जाए और तुम्हारे सीने पर एक कागज पर लिखा जाएगा कि मैं बेईमान और लालची हूँ, और राजू को खबर भिजवाओ, कल से वो बाजार में खिलौने बेचने के लिए आ सकता है। गधे की पीठ पर कमल बैठा शर्म से है सर नीचा और मुंह है काला,
गांव वाले राजू के पास आए और बोले, राजू भाई आप ही बाजार में खिलौने बेचिए, हमारे बच्चों से गलती हो गई। राजू आसमान की तरफ देखने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव वालों की नजर में अब वो चोर नहीं रहा। गांव के सभी लोगों ने राजू से माफी मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। अब